बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। तो हमने बच्चे लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, हमने सेंटेंसेस की टाइप्स पढ़ ली हैं। तो आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में थोड़ा सा देखना है, देखते हैं क्या कहते हैं। सबसे पहले तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसका हम देखते हैं, इसकी पहचान देखें, इसमें भी रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आते हैं, लेकिन इसमें टाइम का यूजेज ज़रूर आता है, वक्त की मुद्दत ज़रूर आती है इस टेंस में। देखें इसका सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस हैज, हैव प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे शी सब्जेक्ट है, वो खत लिख रही है, हैज बीन राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पर जो है वो टाइम आगे मेंशन करना ज़रूरी है, कब से। मिसाल के तौर पर सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर बात आती है सिंस और फॉर के यूज की, कि सिंस कहाँ पे यूज होगा और फॉर कहाँ पे यूज होगा। She has been writing a letter since morning. वो सुबह से खत लिख रही है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, रहा है वगैरह आखिर में आते हैं, वो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी आते थे। इसमें जो डिफरेंट है, डिफरेंस है थोड़ा सा, वो ये है कि इसमें सेंस और फॉर का यूज़ होता है, मतलब टाइम की मुद्दत इसमें आती है। सेंस यूज़ होता है जहाँ एग्जैक्ट स्टार्ट बताया जा रहा हो, एग्जैक्ट स्टार्ट बताया जा रहा हो कि एग्जैक्टली कब से शुरू हुआ था काम, और फॉर का यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ टाइम बताई जा रही हो, क्वांटिटी ऑफ टाइम बताई जा रही हो। यहाँ पे हम थोड़ी सी एग्जांपल्स जो है वो मैं आपको अगर दिखा सकूँ, तो जैसे आई हैव बीन राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, मैं मुख्तलिफ मौजूदात पर आर्टिकल्स लिख रहा हूँ सिंस मॉर्निंग, सुबह से। सुबह से मतलब एग्जैक्ट स्टार्ट बताया जा रहा है टाइम का। ही हैज़ बीन रीडिंग द बुक, वो किताब पढ़ रहा है, ठीक है, फॉर टू आवर्स, दो घंटों से। आप ये समझ लें कि टू आवर्स हो, टू डेज हो, ये क्वांटिटी ऑफ टाइम है। अगर टू आवर्स ये हो कि टू ओ क्लाक, सिंस टू ओ क्लाक, सिंस फोर ओ क्लाक, और एग्जैक्ट टाइम बता दिया जाए, वहाँ पर सिंस आएगा। यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी ऑफ टाइम हो, एग्जैक्ट स्टार्ट ना बताया जा रहा हो कि कौन से दो घंटों से, तो वहाँ पर जो है वो फॉर लगाना है आपने, ठीक है। जैसे दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर, घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं। शी हैज़ बीन फाइंडिंग द ड्रेस, वो तलाश कर रही है ड्रेस लिबास सिंस मॉर्निंग, सुबह से, ठीक है। ही हैज़ बीन स्टडीइंग इन द लाइब्रेरी फॉर थ्री आवर्स, वो तीन घंटों से लाइब्रेरी में पढ़ रही है। वी हैव बीन शॉपिंग एट दिस फेयर फॉर टू आवर्स, हम इस मेले पर शॉपिंग कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं दो घंटों से, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी रहा है, रही है आते हैं, इसमें भी रहा है, रही है वगैरह आते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें सिंस और फॉर का यूज़ होता है और स्ट्रक्चर में तब्दीली होती है। हैज़, हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी आता है, ठीक है। और हैज़ हैव का तो मैंने बताया था, जहाँ पे सब्जेक्ट आपका ही शी इट या कोई सिंगुलर हो वहाँ पे आपने हैज़ लगाना है। जहाँ पे आपका सब्जेक्ट आई वी दे यू या प्लूरल हो वहाँ पे आपने हैव लगाना है, प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई है, इसमें उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। मज़ीद अगर किसी को कोई सिंस और फॉर के इस्तेमाल में कुछ क्लियर ना हो रहा हो तो फील फ्री टू आस्क मी, आई एम अवेलेबल, मुझे मैसेज करें, कॉल करें, तो इंशाल्लाह मैं वहाँ पर भी मज़ीद बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं सिंस और फॉर का एक दफ़ा फिर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सेंस उस टाइम इस्तेमाल करना है जब एग्जैक्ट स्टार्ट बताया जा रहा हो। सेंस की मैं आपको चंद एग्जांपल दे देता हूँ। सेंस 1990, सेंस 2015, मतलब 2015 एग्जैक्ट ईयर बताया जा रहा है,
ठीक है, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 2 o'clock, सिंस 4 o'clock, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस फेब, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, इसी तरह एग्जैक्ट हो। अगर फॉर अ मंथ, यहाँ पे एक महीने से कहा जा रहा है लेकिन महीने का नाम नहीं बताया जा रहा, तो वहाँ पर फॉर आएगा, फॉर अ मंथ, फॉर 2 hours, फॉर 2 days। अगर 2 days की बजाय मंडे होता या ट्यूसडे होता तो उसके साथ सेंस लगता। तो फॉर बेसिकली यूज होता है क्वांटिटी ऑफ टाइम के लिए, और सेंस यूज होता है एग्जैक्ट स्टार्ट के लिए, एग्जैक्ट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो है वो मैं बताऊँगा कि आपने क्या करना है। फी अमान अल्लाह, जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।